23 जून 2018 की तारीख, मे साई नाम का थाईलैंड का एक छोटा सा कस्बा अचानक पूरी दुनिया की नज़रों में आ गया। 12 से 16 की उम्र के 12 बच्चे और उनके कोच एक 4 किलोमीटर लंबी गुफा में फंस गए थे। 18 दिन बाद उन सभी को बचा लिया गया। इतनी कहानी आप सबको पता होगी और नहीं पता तो आगे आप जानेंगे ही, लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत से पहले जब कुछ विदेशी बचाव कर्मचारियों ने अंदर घुसने की कोशिश की, उन्हें वहां थाई सेना के 3 लोग मिले। ये लोग बच्चों को बचाने गए थे लेकिन खुद फंस गए। उन्हें बाहर लाने की कोशिश की गई लेकिन इस गुफा के तंग रास्तों में एक आदमी को घबराहट होने लगी। वो पानी में छटपटाने लगा और फिर बेहोश हो गया, जबकि इस दौरान उस शख्स को सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी पार करनी थी। ये देखकर राहत दल को एहसास हुआ कि 4 किलोमीटर दूर एक बहुत ही तंग सकरे और पानी में डूबे हुए रास्ते से 12 बच्चों को लाना लगभग असंभव है। ये कहानी इसी असंभव को संभव करने की है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये घटना जिस गुफा में हुई थी उसका पूरा नाम है थम लुआंग नंग नॉन। हिंदी में तर्जुमा करें तो नींद में लेटी लड़की वाली गुफा। नाम है तो कहानी भी होगी। कहानी यह है कि पुराने समय में एक राजकुमारी को एक आम लड़के से प्यार हुआ। घर वालों को मंजूर नहीं था, इसलिए राजकुमारी को अपने प्रेमी संग घर से भागना पड़ा। घर वालों ने पीछा नहीं छोड़ा और छिपते फिरते एक रोज़ राजकुमारी की मौत हो गई। राजकुमारी जब मरी वो पेट से थी। मरने के बाद उसका शरीर चट्टान में बदल गया। थाईलैंड के स्थानीय लोग मानते हैं कि इन चट्टानों के अंदर गुफाओं में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, जो पानी नहीं असल में राजकुमारी का खून है। खून कहें या पानी, 23 जून 2023 की शाम ये गुफा कुछ बच्चों की जान की दुश्मन जरूर बन गई। हुआ यूं कि उस रोज स्थानीय फुटबॉल टीम के कुछ बच्चे खेल पूरा होने के बाद शाम को गुफा में घूमने पहुंचे। साथ में उनका 25 वर्षीय कोच भी था। यहाँ वो अक्सर घूमने आते ही थे और कई बार तो गुफा में 10 किलोमीटर अंदर तक जाते थे। केव सिस्टम है। उस रोज हालांकि उनसे एक गलती हुई। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जून का महीना बारिश का महीना है, जब गुफा में पानी भर जाता है। गुफा के भीतर 3 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पानी बढ़ने लगा है। बचने के लिए गुफा में अंदर की ओर वो बढ़े। जब काफ़ी देर तक पानी बढ़ता ही रहा, उन्होंने गुफा के अंदर एक जगह पर आसरा ले लिया। लेकिन अब तक वो अंदर फंस गए थे। किसी को तैरना नहीं आता था और गुफा की तंग सकरी सुरंगों से तैरना वैसे भी बहुत मुश्किल था, नामुमकिन ही था। दूसरी तरफ बच्चों के घर वाले भी उनके वक्त पर न लौटने को लेकर परेशान थे। उन्हें यह ज़रूर पता था कि बच्चे अक्सर गुफाओं में घूमने जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर बच्चों की साइकिल खड़ी भी हैं। तुरंत बचाव दल के लोगों को बुलाया गया। थाईलैंड की नेवी के लोग भी मदद के लिए आए, लेकिन किसी को बच्चों का कोई सुराग मिला नहीं। बच्चे शायद अंदर थे, लेकिन पानी से भरी गुफा में घुसने के लिए केव डाइविंग आना जरूरी था। केव डाइविंग का मतलब गुफा में तैराकी, जिसके लिए विशेष ट्रेनिंग चाहिए और कौशल की ज़रूरत चाहिए। दुनिया में चुनिंदा लोग ही इस कौशल को रखते हैं। बहरहाल केव डाइवर्स के आने तक कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था, इसलिए कई दिनों तक पंप की मदद से गुफा से पानी बाहर निकालने की कोशिश हुई। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बीच बीच में होने वाली बारिश से पानी दोबारा अंदर आ जाता था। 5 दिन बाद भी जब सारी कोशिशें बेनतीजा रहीं, थाईलैंड की सरकार ने विदेश से मदद मांगी। यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया से खास केव डाइवर्स बुलाए गए। इन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ये काम मुश्किल साबित हो रहा था। पहले तो गुफा के अंदर पानी के बहाव की दिशा उल्टी थी। गुफा में कई जगह खड़ी चट्टाने थी, कहीं वो इतनी सक्रिय हो जाती थी कि आम आदमी खड़ा भी नहीं हो सके, जो औसत हाइट होती है। इसके अलावा ये पूरा रास्ता घुप अंधेरे के बीच मटमैले पानी में तैरकर पार करना था। ये सब करते करते 1 हफ्ता गुजर गया। वक्त बीतने लगा। अंदर फंसे लोगों के पास न रोशनी थी, न खाने को था, न पानी ही था, पीने वाला पानी। ऊपर से गुफा में ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। उम्मीद कम थी, फिर भी बचाव दल काम करता रहा। 1 जुलाई की रोज़ उम्मीद की किरण दिखाई दी। यूके के 2 डाइवर तैरते हुए किसी तरह बच्चों तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि बच्चे कमज़ोर हैं लेकिन सही सलामत हैं। 1 हफ्ते तक उन लोगों ने गुफा की छत से टपकने वाली बूंदों को इकट्ठा कर पीने के पानी का इंतज़ाम किया था। बच्चों के साथ जो कोच था वो एक बौद्ध भिक्षु भी था। उसने बच्चों को गुफा में ध्यान लगाना सिखाया ताकि उनकी सांस स्थिर रहे और वो घबराएं नहीं। इन बच्चों का वीडियो जब दुनिया ने देखा तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अब और जोर शोर से दुनिया भर से मदद आने लगी कि बच्चे बचे हैं, इनको बाहर लाना है कैसी भी तरह।
अगले कुछ दिनों में बच्चों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर और खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। हिंदुस्तान से पंप्स भी गए थे हाई कैपेसिटी। अगला चरण था उन्हें सकुशल वापस लेके आना बच्चों को। लेकिन जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई, जल्द ही सबको एहसास हो गया कि ये काम लगभग असंभव होगा। जिस रास्ते दिग्गज तैराक नहीं आ सकते थे, उस रास्ते बच्चे कैसे आएंगे, ये बड़ा सवाल था। सब ने अलग अलग तरकीब सुझाई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने बच्चों की साइज के एक सबमरीन बनाने का सुझाव दिया, जिसे उनकी कंपनी के इंजीनियर खुद तैयार करते। लेकिन गुफा का रास्ता इतना तंग था कि ये प्लान जल्द ही नकार दिया गया। अंत में बचाव दल को एहसास हुआ कि बच्चों को बाहर लाने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाए और फिर एक एक कर हर बच्चे को तैराक के साथ बाहर लाया जाए। इस काम में भी एक दिक्कत वैसे थी। रेस्क्यू की शुरुआत में थाई नेवी के कुछ लोग अंदर फंस गए थे। जब उन्हें बचाने के लिए इस तरह तैराकर लाया गया, उनमें से एक तंग जगह और अंधेरे में घबरा कर छटपटाने लगा। उसे बाहर लाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बचाव दल को लगा कि अगर बच्चे भी इस बीच ऑपरेशन में घबरा गए या उन्होंने छटपटाने की कोशिश की, तो उनके और बचावकर्मी दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। यह होता है, पानी के अंदर आप छटपटाने लगते हैं अगर आपको जाने के रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो। इसलिए तय हुआ कि सारे बच्चों को बाहर लाने से पहले बेहोश किया जाएगा। ये पेचीदा काम था क्योंकि बेहोशी की दवा खासकर बच्चों में एकदम ठीक मात्रा में दी जानी होती है, जिसके लिए एनेस्थेसिस्ट यानी बेहोशी के दवा के विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है। इस काम के लिए ऐसे डॉक्टर की जरूरत थी जो एनेस्थेटिस्ट होने के साथ साथ कुशल केव डाइवर भी हो। दुनिया में ऐसे लोगों की गिनती और कम थी और बिल्कुल गिनती पे उंगलियों पे गिन सकते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में काम आए ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो दोनों कामों में माहिर थे। डॉक्टर भी थे, उसी फील्ड के थे और केव डाइवर भी थे। हैरिस को शुरुआत में जब इस ऑपरेशन के बारे में बताया गया, उन्होंने इनकार किया। उनके अनुसार ये ऑपरेशन असंभव था। फिर जब उन्हें बताया गया कि उनकी ना का मतलब बच्चों की मौत हो सकता है, हैरिस तैयार हुए। 6 जुलाई तक दुनिया भर से लगभग 100 तैराक इस काम के लिए थाईलैंड पहुंच गए थे। गुफा से पानी पंप किए जाने का काम जारी था ताकि ऑपरेशन में आसानी हो। 7 तारीख को अधिकारियों ने अचानक ऐलान किया कि वो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार 10 जुलाई तक गुफा अमूमन पूरी तरह बारिश के पानी से भर जाती थी, इसलिए बच्चों को जल्द से जल्द निकालना जरूरी था। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ कैसे? बचाव दल ने गुफा के अंदर कुछ 1.5 किलोमीटर दूर ऑपरेशन का बेस तैयार किया, जहां से डाइविंग कर बच्चों तक आया जाया जा सकता था। इसके बाद इस पूरे रास्ते पर एक गाइडिंग रस्सी लगाई गई, ताकि कोई रास्ता भटके भी तो रस्सी को पकड़ते हुए थाह लेते हुए आ सके। डाइविंग के लिए हर बच्चे को एक डाइविंग सूट पहनाया गया, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और चेहरे पर मास्क शामिल था। बचाव दल का तैराक बच्चे को अपनी बाईं या दाईं तरफ लेकर चलता था और गुफा के सकरे रास्तों पर उसे आगे की तरफ धकेल देता था। करीब 1.5 किलोमीटर तक बच्चों को पानी में डूब कर तैरना था। हालांकि असलियत में उन्हें बस तैराकों ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चों को बेहोशी की हल्की दवा दे दी गई थी ताकि वो घबराए नहीं। 1.5 किलोमीटर बाद जब पानी इतना हो गया कि उसमें से सर बाहर निकाला जा सकता था, बच्चों को एक स्पेशल बैग में लिटा दिया गया। इस बैग में एक हैंडल था जिसे तैराक हर वक्त पकड़कर रख सकता था। बाकी के रास्ते बच्चों को इसी तरह बाहर लाया गया। पहले दिन 4 बच्चों को बाहर निकाला गया और उसके बाद अगले 2 दिनों में 4-4 के बैच में बच्चे बाहर निकाले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन 10 जुलाई को पूरा हुआ। बच्चों के साथ जो कोच था वो सबसे अंत में बाहर आया। 11 जुलाई को जब सही सलामत बच्चों की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई, सभी की, एक सेकंड के लिए मानो पूरी दुनिया एक हो गई। इस सफलता में सभी का श्रेय था। 18 दिन चले इस ऑपरेशन में तमाम देशों और स्वयंसेवियों ने मदद की थी। भारत बिन में शामिल था। पंप बनाने वाली कंपनी किर्लोस्कर ने अपने कुछ विशेषज्ञों को थाईलैंड भेजा था, ताकि गुफा से पानी निकालने में मदद कर सकें। हाई कैपेसिटी पंपिंग में इनकी एक्सपर्टीज थी। इस उम्मीद के साथ कि दुनिया के एकजुट होने के लिए ऐसे हादसों की जरूरत ना पड़े, आज के लिए लेते हैं विदा। आज की तारीख को कमल ने लिखा था और कैमरे पे इसे विजय ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।